नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। टेलीविजन की दुनिया में हर रोज कई नए चेहरे दिखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही अपनी पहचान बनाने में सक्सेस होते हैं। टीवी इंडस्ट्री में एंट्री के बाद टिके रहना और ऑडियंसेस के दिलों में जगह बनाए रखना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसी में सबसे पहले नाम आता है रूपाली गांगुली का, जो आज टीवी की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने एक समय में वेट्रेस का काम भी किया था? इसमें सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि जय भानुशाली और सुनील ग्रोवर ने भी स्टारडम के पहले छोटे मोटे जॉब करके अपना गुजारा किया था। अगर टीआरपी लिस्ट के बादशाहों की बात करें तो डेली सोप शो अनुपमा की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने हाल ही में खुलासा किया था कि उनके पिता की फिल्म फ्लॉप होने पर वो बुरे दौर से गुजर चुके हैं। उन्होंने बताया कि परिवार के सपोर्ट के लिए बुटीक और रेस्टोरेंट जैसे जगह पर काम किया था। रूपाली ने बताया कि एक बार जब वो एक पार्टी में वेट्रेस का काम कर रही थी, वहीं उनके पापा मेहमान बनकर पहुंचे थे। टीवी शो ये है चाहते फेम दिव्यांका त्रिपाठी भी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में से एक है। लेकिन क्या पता है आपको कि वो भी टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले किसी और जगह ही करियर बनाने की कोशिश में थी। दिव्यांका एक्टिंग में आने से पहले राइफल शूटिंग में हाथ आजमा चुकी हैं। टीवी और ओटीटी जगत में नाम कमा चुके अभिनेता वरुण सोबती ने लाइफ में काफी कुछ किया है। दमदार एक्टर और हैंडसम लुक्स के लिए पसंद किए जाने वाले वरुण ने बताया था कि वो टीवी इंडस्ट्री में काम मिलने से पहले कॉल सेंटर में जॉब कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 7 साल तक बतौर ऑपरेशन मैनेजर भी जॉब किया है। वहीं टीवी एक्टर और फेमस होस्ट जय भानुशाली को आज के समय में कौन नहीं जानता। वो भी टीवी पर आने से पहले कई जगह छोटी मोटी जॉब कर चुके थे। साथ ही बताया कि एक बार तो वो जूते के स्टोर में सेल्समैन के तौर पर भी काम कर चुके हैं। कॉमेडी की दुनिया में अपनी जगह बना चुके और तांडव जैसी सीरीज में खुद को एक गंभीर एक्टर के रूप में साबित कर चुके सुनील ग्रोवर ने भी इंडस्ट्री में आने से पहले कई जगह अपनी किस्मत को नॉक नॉक किया था। एक इंटरव्यू में सुनील ने कहा था कि स्ट्रगलिंग के दिनों में उन्होंने बतौर आरजे भी काम किया। मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत कब बदले और आपको रातों रात ऊंचाइयों में पहुंचा दे, ये सिर्फ और सिर्फ उसी को पता है। तभी तो कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।